शहर के भूतेश्वर क्षेत्र में कार चालक की लापरवाही से एक राहगीर घायल हो गया। वहीं मारपीट के दौरान कार चालक ने मोबाइल चोरी होने का आरोप भी लगाया। मथुरा शहर के भूतेश्वर चौराहे के समीप कार चालक की लापरवाही से राहगीर के चोटिल होने का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि भारी यातायात के बीच एक कार भूतेश्वर तिराहे की ओर जा रही थी, तभी एक अन्य वाहन से टक्कर बचाने के प्रयास में कार का पहिया सड़क किनारे चलते राहगीर के पैर से होकर गुजर गया, जिससे राहगीर चोटिल हो गया। ये देखकर एकत्रित हुए कुछ लोगों ने कार चालक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच वहां पुलिस की PRV भी आ पहुंची और मामले को शांत किया। इस दौरान राहगीर ने कार चालक के नशे में होने का आरोप लगाया। मामला ये, मैं उधर से आ रहा था, जे मेरे पीछे से ज्यादा मेरे सामने थे, आगे थे ये अमरनाथ स्कूल। अच्छा, मैं वहाँ से आ रहा था पटरी के पास से, आगे मैं बिल्कुल नाली के किनारे सादे से चल रहा था, यानी मेरे एकदम मेरे ऊपर चढ़ा दी, समझ लो। और इसने ड्रिंक कर रखी है भरपूर, इस पर गाड़ी समझी नहीं बिल्कुल भी। मैंने रोका, आवाज़ मारी सब, ये पब्लिक ने आन के गाड़ी रोकी, यहाँ पर रोका, वहाँ से मुझे एक मोटरसाइकिल पर लाया एक आदमी उठा के, कहा बैठो आप। जब इसने अभी तक आपको इलाज के लिए नहीं, कोई नहीं ले गया अभी तक। कार चालक ने पुलिस को अवगत कराया कि मारपीट के दौरान कार की चपेट में आए राहगीर के साथियों ने उसकी जेब में रखा मोबाइल पार कर दिया। बाद में मामला सुलझता ना देख पुलिस राहगीर और कार चालक को चौकी ले गई। ये जो माहौल है यहाँ का कुछ मुझे खराब लग रहा है, जानबूझ के मोटरसाइकिल सामने आई है, बाकी जो भी है आप मेरा मेडिकल करा दो। आप ड्रिंक किए हुए नहीं है? नहीं सर जी, मेडिकल करा लो सर, मेरी वाइफ किडनी पेशेंट है सिटी हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम बंटी चौधरी है, मैं कृष्णा हॉस्पिटल में रहता हूँ, हाउस नंबर 90 गोवर्धन रोड, श्री जी बाबा स्कूल के पास। सूचना मिली थी एक्सीडेंट की, मैं आया है तो ये ड्राइवर जो है विकलांग सा भी है, कुछ नशे में भी है, दारू पिए है, वो पैदल जा रहा था, उसके पैर पे पहिया चढ़ा है, कोई खुली चोट तो है नहीं है, हाँ गुम चोट है, वो तो डॉक्टर बताएंगे क्या है।